पांच जिला पदाधिकारी नवादा के नेतृत्व में सुबह पुलिस केंद्र नवादा से उच्च विद्यालय हिस्सा तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा नशा मुक्ति और मद्य निषेध के लिए गुब्बारा उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य मद्य निषेध नीति के नियमों को 100% कार्यान्वयन किया जाना है। इसके माध्यम से आम जनता को संदेश दिया गया कि सभी प्रकार के नशीले पदार्थों की बुराइयों का परित्याग कर अपने समाज और परिवार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सख्ती भी किया जा रहा है। नशीले पदार्थों के परित्याग करने से लोगों में नव चेतना जागृत होती है और आजादी का अमृत महोत्सव एवं भारत श्रेष्ठ भारत फिट इंडिया मूवमेंट के लिए भी साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने लोगों को संदेश दिया कि नशा मुक्ति के लिए 12 किलोमीटर यह साइकिल रैली निकाली गई है। इसमें सभी सिविल और पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित थे। शराबबंदी और मद्य निषेध को लेकर जितना अधिक जागरूकता होगी लोग शराब से उतना दूर होंगे। पिछले 2 सप्ताह से व्यापक पैमाने पर मद्य निषेध के संबंध में जागरूकता फैलाई गई है और आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि कहीं पर शराब निर्माण भंडारण एवं सूचना मिलती है तो तत्काल सूचित करें। इसके लिए उन्होंने फिर से आज अपना मोबाइल नंबर 9473191256 जारी किया। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर है और इस नंबर पर भी जानकारी दे सकते हैं। आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। जिलाधिकारी अपने अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन केंद्र से स्वयं हिस्वा हाईस्कूल तक साइकिल चलाकर गए और रास्ते में आम जनता को भी मद्य निषेध का अनुपालन के लिए अपील किया। उच्च विद्यालय हिस्वा के प्रांगण में जिलाधिकारी को बुके और शॉल देकर प्रधानाध्यापक के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मद्य निषेध के संबंध में शपथ भी आम जनता और विद्यार्थियों को दिलाई गई। विद्यालय के बालिकाओं के द्वारा बेहतरीन ढंग से स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के छात्राओं से पढ़ाई के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। बालिकाओं के द्वारा कहा गया कि उत्तम शौचालय पेयजल पानी टंकी आदि का अभाव है। जिलाधिकारी ने तत्काल 1 सप्ताह के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सारी समस्याओं के समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जिले के नवयुवक और युवतियों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्प है। पिछले रविवार को कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें भारत के टॉपर आईएएस प्रवीण कुमार के द्वारा सफलता के गुर सिखाया गया। यहाँ के विद्यार्थियों में मेधा की कोई कमी नहीं है, सभी क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थी मल्टी टैलेंटेड है, खेलकूद का क्षेत्र हो या पढ़ाई का, सभी क्षेत्रों में विद्यार्थियों का बेहतर योगदान है। उन्होंने कहा कि जिले के 187 पंचायतों में से 110 पुस्तकालय प्रारंभ कर दी गई है जहां प्रतियोगी बैठकर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज के साइकिल रैली में डॉक्टर कारी प्रसाद महतो समाहर्ता नवादा, अवेंद्र मोहन जिला परिवहन पदाधिकारी नवादा, मोहम्मद मुस्तकीम ओएसडी मोतीलाल पुलिस अधीक्षक, भारतीय अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर संजय कुमार चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ जिले के अन्य सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। देखिए आज हम लोगों ने जो नशा मुक्ति के संबंध में हम लोगों ने आज एक ये साइकिल रैली निकाली। लगभग 10-12 किलोमीटर हम लोग ये साइकिल रैली चला रहे हैं जिसमें सभी पुलिस पदाधिकारी, सभी जो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो पदाधिकारी हैं सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। और मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा जागरूकता होगी इस संबंध में नशा मुक्ति को लेकर और शराबबंदी को लेकर, जितने ज़्यादा लोगों में हम लोग जागरूकता लाएंगे उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कई अन्य प्रोग्राम भी हम लोगों ने लॉन्च किए हैं और पिछले 10-15 दिनों में हमने बहुत ही व्यापक तरीके से जन जागरूकता के लिए हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम किए हैं। और आज जो ये साइकिल रैली है ये लगभग हम लोगों का 10-12 किलोमीटर है। यहाँ नवादा टाउन से लेकर हम लोग हिस्वा टाउन तक जाएंगे जिसमें सभी जो ऑफिसर्स हैं दे आर एंगेज्ड इन दिस साइकिल रैली। और मेरा ये निवेदन रहेगा सभी लोगों से, जितने जिलावासी हैं सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर कहीं पर भी आप लोगों को अवैध शराब का या अवैध नशा का कहीं पर भी अगर शिकायत है तो हम लोगों का जो नंबर है, जो टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मेरा नंबर आप फिर से नोट कर सकते हैं, 9473191256। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।